का टॉपिक है बायो का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन क्या ये थोड़ा समझने का है, इतना वो नहीं है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आप ही देखिए, हमको हर काम के लिए बॉडी केयर गतिविधि के लिए फूड की जरूरत होती है, फूड इन नेसेसिटी फॉर अवर हेल्थ एंड वेल्थ। हैं फर्स्ट इन द एंशिएंट टाइम क्या होता था कि एनिमल पे डिपेंड थे सब, किसी को पता नहीं था या फिर अपना फ्रूट्स वगैरह खाते थे, ठीक है, फ्रूट खाते थे, उनको नहीं मालूम था कि और क्या क्या खाया जा सकता है, ठीक है। धीरे धीरे करके सभ्यताएँ आई, तो उसके बाद जो है हम क्रॉप वगैरह एड करने लगे, जैसे गेहूँ हो गया आपका, चावल हो गया, राइसी पल्टी, ये सब आ गया इसमें, तो उसके ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है। जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है ना, प्लांट ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है, CO2 प्लस H2O सनलाइट इसमें C6H12O6 ये बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ये बनाता है। लेकिन क्या है, एनिमल्स क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक है डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, और जैसे एग हो गया, ये हो गया आपका मीट हो गया, या फिर ये दूसरा एनिमल प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए एनिमल पे, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले जो है, जब जनसंख्या बढ़ी हमारी है ना, 1.04 से हमारी होगी फिर 1.32 बिलियन, लिहाजा फूड की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड, तो फिर आया सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन, फिर आया उसके बाद ब्लू, फिर आया वाइट, ठीक है, फिर आया येलो, फिर उसके बाद आया गोल्डन ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या कह रही है, फूड ग्रेन। ब्लू रिवोल्यूशन फिजिक, व्हाइट फॉर मिल्क, येलो फॉर ऑयल प्रोडक्ट, गोल्डन फॉर पल्सिज, ठीक है। यह रिवोल्यूशन इसमें इन्होंने कहा कि बढ़ाओ यील्ड वगैरह, दिखाया दुनिया में भाई कैसे बढ़ती है, कैसे हमें काम करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। सूटेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, सबसे पहले तो फार्मिंग करनी पड़ती है, फार्मिंग के बाद में फिर क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन ना। फार्मिंग में क्या है कि हार्शनेस ऑफ सनलाइट, ठीक है, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये फार्मिंग कहते हैं कि सूरज की रोशनी को कैसे प्लांटर वो ग्रहण करते हैं, उसको हमने क्या करना है, इकोनॉमिक में लेके उसको यूज करना है। कंजर्वेशन कहते हैं जो
नेचुरल चीज़ें हैं उनका हमने रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है। इसके बाद आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बड़ा चल रहा है आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि हम क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप विदाउट पेस्टिसाइड, है ना, फर्टिलाइजर, एंड हर्बिसाइड्स, विदाउट पेस्टिसाइड 40% क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। हम उसको ऑर्गेनिक वो कहते हैं कि हम जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी है उसको भी हम मैन्यूर्स बना लेते हैं, मतलब खाद बना लेते हैं, वो उसका काम आता है, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं उसमें, ठीक है। कंपोस्ट बनाते हैं उसको, सड़ी गली सब्जियाँ पत्ते पुत्ते सबको वो करके, तो उसको उसकी खाद में हम इसे उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें पेस्टिसाइड डालना हो इसमें तो हमने वैसा तो डालना नहीं है, ऑर्गेनिक डालना है, ठीक है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग हो जाती है इसमें, ठीक है, क्योंकि जो पोल्यूशन ना करे, टॉक्सिसिटी ना लाए, तो हमने वो काम करना है, ठीक है। इसमें वही काम करना है, केमिकल कुछ नहीं डालना है इसमें, केमिकल भी नहीं, विदाउट केमिकल, केमिकल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब लेग्यूम होता, आपको पता है कि बैक्टीरिया और वो जो बायो फर्टिलाइजर, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया हो गए जिसे लेग्यूम्स कहते हैं, एंड ब्लू ग्रीन अलगे हो गए, ये बायो फर्टिलाइजर से आते हैं, और मिनरल्स, सोलुबिलाइज्ड बैक्टीरिया जो मिनरल को सोलुबिलाइज करता है, ठीक है, और बायो पेस्टिसाइड, और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अजाडी रेक्टिन, अजाडी रेक्टिन ये नाम से हो रहा है, ठीक है, ये नीम से निकलेगी, मोरगोसा और नीम ये काम आएगा, ठीक है। पायरीथ्रम कैरीसेंथियम थोरियोसाइड बैक्टीरिया है, बैसिलस थोरी जीनस बैक्टीरियम, बैसिलस थोरी जीनस, ठीक है। नीम की पत्तियाँ यूज करते हैं स्टोरेज के लिए फूड ग्रेन को, उसमें वो नहीं डालते, वो पेस्टिसाइड वगैरह इससे की वो बाहर पेस्टिसाइड नहीं डालते, हेल्दी क्रॉप होती है, मिक्स हो जाती है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता, नंबर एक।
और उसका नहीं होता नंबर दो री साइकिल हो जाता है वेस्ट का, ठीक है, ऑर्गेनिक उससे बता रहा हूँ मैं एडवांसेस फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड केमिकल टॉक्सिक जो है, ठीक है, सोयल हेल्थ, सोयल हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपने यूरिया डाल दिया कुछ और डाल दिया तो सोयल की हेल्थ बिगड़ जाती है, इससे नहीं बिगड़ती, इसमें हम वैसे वो डालते हैं जिसमें काम आए, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड अंडर चेक, इंसेक्ट पेस्ट वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके फायदे नुकसान ये हैं, बड़े अच्छे फायदे हैं इसमें, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने अलग अलग वो बनाए, एग्रोनॉमी, ठीक है, सोयल के लिए, सोयल मैनेजमेंट के लिए बनाया, एग्रोनॉमी अलग ब्रांच बनाई, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फ्रूट फ्लावर फ्रूट्स के लिए, ओलिवी कल्चर वेजिटेबल के बारे में पढ़ते हैं हम, कैसे इसकी स्थिति सुधारें, कैसे क्या करें, है ना। एक्वा कल्चर, वो जो है प्लांट एंड एनिमल्स इन बॉडी ऑफ वाटर फॉर इकोनॉमिक पर्पज, ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट, ये ब्रीड, क्रॉप रोटेशन, क्लाइमेट फैक्टर, सोयल, ये सब की टेस्ट करते हैं इस वाली ब्रांच में। टाइप ऑफ क्रॉप्स 2000 तरह के हैं हमारे यहाँ, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप्स में टाइप प्लांट्स है। नंबर एक हम सीड खाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह के खाते हैं ना सीड, सारे सीड नहीं वो है खाए जाते, तो चौक हाइड्रेट कर देते हैं हम, अगर एप्पल के सीड खा लेंगे तो वो साइनाइड होता है उसके अंदर, एडिबल चीज बोल देंगे सीरियल एंड पल्सी एंड ऑयल सीड एंड नट्स, सेब के सीड नहीं खाते हम, वो क्या करेंगे साइनाइड होता है उसके अंदर, है ना, लेमन चौक एड्रेस कर देता है वो। नंबर दो, अब सीड में आया नंबर ए सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स में मैंने आपको बताई मेज, बाजरा, वीट, मेज, राइस, बार्ले, बी, पल्सीज,
ऑयल सीड क्रॉप्स, सरसों वगैरह ये सब ऑयल सीड, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब इसके अंदर आएगी। ठीक है, ओलिव वगैरह, पल्सेज में मैंने आपको बताई पी पीजन पी काउ पी लोबिया, पीजन पी क्या होगा, अरहर, ग्रीन ग्राम, मूंग, सब इसके अंदर आते हैं, चना वगैरह सब। ऑयल सीड मैंने आपको बताया अभी, सनफ्लावर, सोयाबीन, फ्लैक्स, लिंसीड, रैपसीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, बहुत सारे आते हैं, नट एंड ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम, सारे इसमें आएंगे। और नंबर दो आप फ्रूट, फ्रूट आपको मालूम ही है, एप्पल वगैरह, ग्रेप्स, डेट, ये सब फ्रूट में आएंगे। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में सारी वेजिटेबल आती है इसके अंदर, है ना, जो रा भी खाई जाती है, वैसे भी रूट्स, रेडिश, कैरेट, टर्निप, पोटैटो, ये सब स्वीट पोटैटो, सॉरी पोटैटो तो स्टेम में आएगा, स्टेम पोटैटो ये खाते हैं स्टेम में। लीफ वेजिटेबल इसमें जितने भी आते हैं आपके, स्पेनिश, लेट्यू, कैबेज, टर्नलीफ वगैरह सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये वेजिटेबल है तो इसका लिफी हो गया, इनफ्लोरिसेंस, ब्रोकली, रूट वेजिटेबल, पंपकिन वगैरह, ब्रिंजल, है ना, सब्जी आ गई इसमें, स्पाइसीज, लोकलो वगैरह ये सब इसमें आ जाएगी, चिली, क्लोव, टर्मेरिक, टर्मेरिक स्पाइसीज में आ गई, फोडर क्रॉप, बरसिंग वगैरह आ गई। अदर क्रॉप में क्या आएगा, फाइब्रस है, कॉफ़ी वगैरह, टी, अदर क्रॉप्स में आएगी सब, टी वगैरह। क्रॉप सीजन दो तरह के होता है, खरीफ क्रॉप्स, ये रेनी सीजन, रबी, ये हो गए विंटर में, ये गर्मियों में होंगे, विंटर में होंगे खरीफ। ठीक है, समर विंटर, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका पैडी, राइस, राइस कहते थे, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, अच्छा उड़द वगैरह ये सब, गार्लिक फिंगर्स, पम्पकिन वगैरह, ब्रिंजल, ये सब इसमें आती है। और रबी में क्या क्या आता है, रबी में आती है वीट,
बाड़ले ग्राम्स मस्टर्ड पी लिंसीड ये सब रबी मार खरीफ और रबी में क्या फर्क है? मानसून के सीजन में होती है, ये विंटर में होती है। ये क्रॉप हॉट एंड वेट कंडीशन में होती है, ये कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशन में होती है। ये जून जुलाई में लगती है, ये आपका नवंबर अक्टूबर, ये आपका सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है, इसकी अप्रैल मार्च अप्रैल। राइस बेज ग्राउंडनट सोयाबीन ग्रीन नट ग्राम कॉटन ब्लैक ग्राम, इसमें व्हीट बार्ले ग्राम मस्टर्ड लिंसिड पी, ठीक है। अब क्या क्रॉप का मैनेजमेंट न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। प्लांट में 16 प्रकार के चाहिए होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट 16 टाइप के होते हैं। इसमें तो 13 तो है मैक्रो और 7 है माइक्रो, ठीक है। 16 एसेंशियल एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन, जो है कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो एयर से मिल जाएगा और बाकी जो है वाटर से हाइड्रोजन मिल जाएगा, सोयल से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीज बोरोन जिंक कॉपर मोलिब्डेनम क्लोराइड। ये क्या है? ये माइक्रो, ये आएगा, ये है मैक्रो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 7, 16 हो गए, ठीक है। नो ये होंगे और बाकी होंगे 16 एसेंशियल वो चाहिए ना, ठीक है। इसकी क्वांटिटी तो चाहिएगी 1 mg पर ग्राम, इसकी चाहिएगी 1 ppm 1 mg पर ग्राम, ठीक है। ये लार्ज क्वांटिटी में होंगे, ये कम में चाहिए होंगे, है ना। ये एंजाइम की उसमें भाग नहीं लेंगे, उसमें ये भाग लेंगे अंदर की क्रिया में, ये सेल को बॉडी वो बनाएंगे, सेल की सेल में काम करेंगे, कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ चाहिए होता है, ये नहीं करते, ये एंजाइम का काम करते हैं, है ना। एंजाइम एक्टिविटी में ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट करते, मैक्रो नहीं करते, ठीक है। बिल्डिंग प्लांट ये बिल्डिंग का काम करते, ये नहीं करते, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा चाहिए होती है और इसकी कंसंट्रेशन कम चाहिए होती है, 1 mg पर ग्राम, ठीक है, 1 mg पर ग्राम, 1 ppm चाहिए होती है। ड्राई वेट, ड्राई वेट में इतने चाहिए होता है, ये वैसे चाहिए होता है, ठीक है। बस यही है, माइक्रो माइक्रो ये सब चीज़ें जरूरी हैं और ये इंसान के लिए भी जरूरी हैं, ठीक है। प्लांट से आती हैं, आज के लिए इतना ही, फिर बताऊंगा आगे। जैसा लगा चैनल आप लाइक कीजिएगा,